हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, इंटरेस्ट कैलकुलेशन को कैसे एक्टिवेट करेंगे आइए चलिए देख लेते हैं टैली ईआरपी 9 में। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको कीबोर्ड से F11 फंक्शन बटन प्रेस करना है, आप यहां पर भी क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको कीबोर्ड से ए बटन प्रेस करना है। ए बटन प्रेस करने के बाद आपको आना है आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट में और यहाँ पर एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन इस ऑप्शन को कर देना है यस, फिर इस भी ऑप्शन को यानी यूज एडवांस पैरामीटर इसको भी कर देना है यस और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा लेना है। इसके बाद हमें कैसे करना है वो बताता हूँ, यहाँ से वी प्रेस कर लेता हूँ। यहाँ पे परचेज वाउचर में हम है, हम F8 प्रेस करके सेल्स वाउचर में आ जाते हैं। यहाँ पर रेफरेंस नंबर में डाल देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पर एक डेटर पार्टी का लेजर हम क्रिएट करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ रितेश डी यानी डेटर, ठीक है। अब ये जाएगा संडे डेटर में, एस प्रेस किया और यहाँ से संडे डेटर चूज कर लेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। मेंटेन बिल बाय बिल ये यस रहेगा, डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड एक दिन का रहेगा, ठीक है। और एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर आएंगे तो एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन को यहाँ से वाई प्रेस करके यस कर देंगे। यहाँ पर कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाई ट्रांजेक्शन आ रहा है, इसको यस कर दीजिए वाई प्रेस करके। फिर ओवरराइड पैरामीटर्स फॉर ईच ट्रांजेक्शन, इसको भी यस कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर एक और ऑप्शन आ रहा है, अभी हम इसकी बात करते हैं। यहाँ पर पहले रेट डाल देते हैं, हम इस पर 12.5% का इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है। कब लेंगे, जबकि आप 30 दिन में पैसे नहीं चुकाते हैं तब। अब यहाँ पर तीन ऑप्शन आ रहे हैं, पहला क्रेडिट बैलेंसेज, डेबिट बैलेंसेज ओनली और फिर ऑल बैलेंसेज ओनली। क्रेडिट बैलेंसेज यानी आपसे वो परचेस करते हैं सामान, यानी क्रेडिट बैलेंसेज, डेबिट बैलेंसेज यानी आप उनसे परचेस करते हैं, ठीक है। और यानी कि क्रेडिटर पार्टी आप हैं, क्रेडिट बैलेंसेस का मतलब क्रेडिटर पार्टी आप हैं, डेबिट बैलेंसेस ओनली का मतलब डेबिट डेटर पार्टी आप हैं, ठीक है। और दोनों लोग एक दूसरे से खरीद और बिक्री का काम करते हैं, तो इस कंडीशन में ऑल बैलेंसेस हो जाता है। इसको यस ऑल बैलेंसेस कर लेता हूं मैं और यहां पर ऑलवेज कर देता हूं और यहां से ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस ये दे देता हूं, यहां से कर देता हूं नॉर्मल राउंडिंग, ठीक है। इन सारे ऑप्शंस को अगर आप बार बार हर एंट्री पर फिल करना चाहते हैं तो यहां पर जो ये है ना ओवरराइट एडवांस पैरामीटर, इस ऑप्शन को आप यस कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको नो ही रखता हूं और इसको एक्सेप्ट करा लेता हूं। ये एक्सेप्ट करा लिया हमने, इसको भी एक्सेप्ट करा लिया। अब यहां पर आएंगे, सेल्स अकाउंट का लेजर आ जाएगा, ऑल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे, सेल्स अकाउंट ये कर दिया हमने, एंटर प्रेस किया और ये जाएगा सेल्स अकाउंट में, एस प्रेस करेंगे यहाँ सेल्स अकाउंट आ जाएगा और यहां से एंटर प्रेस करते हुए यहां पर इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। अब यहां पर जो भी आइटम्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है, जैसे शुगर है 700 किलो, तो इसमें से 500 किलो हम सेल कर रहे हैं, तो ये 500 किलो हम सेल कर रहे हैं और एक किलो की कीमत हम ₹50 रख रहे हैं, ठीक है, डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं। अब यहां पर आ रहे हैं तो कुल मिला के 25,000 की चीनी हम खरीद रहे हैं। यहां पर ड्यू डेट का जो एक दिन के बाद हमने वहां दे दिया है और 12.5% का इंटरेस्ट लगेगा, ये सारी चीजें देखिए जो हमने फिल करी थी वो यहां पर आ रही हैं। अब यहां से इसको एक्सेप्ट कराता हूं, ये एक्सेप्ट करा लिया, ये 1 अप्रैल 2020 यहां पे डेट पड़ी हुई है। अब यहां पर आते हैं और यहां से डी प्रेस करता हूं, फिर एस प्रेस करता हूं, लेजर में चल के यहां से देखते हैं, F2 प्रेस करता हूं, 1/10/2020 ये कर दिया हमने। अब यहां पे देख सकते हैं ये रितेश डेटर, अब इसको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो यहां पे शो हो रहा है, ये देख लीजिए आप, यहां पर ₹18,958 कुल मिलाकर के इंटरेस्ट शो कर रहा है। पेंडिंग अमाउंट कितना है, ये पेंडिंग अमाउंट है आपका ₹25,000। अगर आपने सही समय पर ये पैसे नहीं चुकाए तो इतना आपको ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन को एक्टिवेट कर सकते हैं।